आज हम चटपटी मसालेदार भिंडी बनाएंगे। यह बहुत ही कम सामग्री में बहुत जल्दी बनकर के तैयार हो जाती है। भिंडी बनाने के लिए चलिए हम किचन गार्डन से अपने भिंडी तोड़ लेते हैं। हमने भिंडी तोड़ ली है किचन गार्डन से। ये 250 ग्राम भिंडी है। चलिए अब सब्जी बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। चटपटी मसालेदार भिंडी बनाने के लिए हमने लिया है ये 250 ग्राम भिंडी, जो कि हमारे किचन गार्डन की है। इसको धुल करके अच्छे से काट लिया गया है। ये है 4 हरी मिर्च, 1 छोटी गांठ लहसुन छील लिया गया है, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, थोड़ी सी जीरा, 10-15 दाने काली मिर्च है, और ये प्याज है, इसको हमें पीस लेना है, 1 टमाटर, इतना मसाला हमें पीस लेना है मिक्सी में। और ये थोड़ा सा प्याज हमने खुला रखा है, इसको भिंडी के साथ हम भूनेंगे। और 1 टमाटर ये है, इसको सब्जी होने के बाद, हम कंप्लीट होने के बाद लगभग 1 मिनट पहले डाल देंगे। ये मसाला है, छोटे चम्मच से 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सब्जी मसाला, 1 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पिसा हुआ, स्वाद अनुसार नमक, छौंकने के लिए है ये मेथी। चलिए शुरू करते हैं। गैस हमने ऑन कर लिया है। अब हम इसमें देखते हैं तेल गर्म हो गया है कि नहीं। तेल हमारा गर्म हो गया है। सबसे पहले हम प्याज इतना फ्राई करके निकालेंगे। बहुत ही हल्का सा हमें फ्राई करना है। जो प्याज का कच्चापन चला जाए, इतना ही प्याज हमें भूनना है। एक मिनट हो गए हैं। प्याज लगभग हमारी जितनी हमें चाहिए उतना भून चुकी है। अब हम इसको निकाल लेते हैं।
इसी तेल में हम भिंडी भून लेंगे। भिंडी हम इतना देर तक भूनेंगे कि भिंडी हमारी आधी पक जाए। लगभग 5 मिनट तक हमें भूनना है। जब तक हमारी भिंडी भून रही है हम मसाला पीस लेते हैं। मसाला हमारा पिस चुका है, अब हम अपनी भिंडी देखते हैं। भिंडी हमारी लगभग भून चुकी है। भिंडी हमें खोल करके भूनना है, ढकना नहीं है, नहीं तो भिंडी हमारी चिपचिपी हो जाएगी। और बहुत ही हल्के हाथ से आहिस्ता आहिस्ता चलाना है। भिंडी लगभग हो चुकी है, अब हम मसाला बना लेते हैं। भिंडी हम निकाल लेते हैं। कढ़ाई में हमें तेल डालना है। इसमें हम मेथी डालेंगे। मेथी भुनने के बाद हम इसमें मसाला डालेंगे। सभी मेथी हमारी हो गई है, अब हम इसमें मसाला डाल दे रहे हैं। नमक मसाला सब कुछ डाल देंगे। अब इसके साथ हम पिसा हुआ मसाला डाल देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। मसाले को हम ढक करके तेल अलग होने तक पकाएंगे 5 मिनट। मसाले को हम मीडियम आंच पर ढककर पकाएंगे। मसाला हमारा लगभग पक चुका है, 1 मिनट हम इसको और पकाएंगे। इसको हम फिर से ढक देते हैं। हम मसाला अपना चेक कर लेते हैं। मसाला हमारा हो गया है, अब हम इसमें भिंडी और टमाटर डाल देते हैं। प्याज हम सब्जी पकने के बाद डालेंगे। जब मेरी भिंडी की सब्जी बिल्कुल पक जाएगी तो हम प्याज डालेंगे और डाल करके चला देंगे। गैस हमें मीडियम ही रखना है सब्जी के लिए। अब गैस मीडियम करके हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक देते हैं। पानी सब्जी में बिल्कुल नहीं ऐड करना है, ऐसे ही भाप से इसे पकाना है। दो मिनट हो चुके हैं, अब हम अपनी सब्जी चेक कर लेते हैं। भिंडी को हम 2 मिनट हो चुके हैं, भिंडी को हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं भिंडी हमारी गल चुकी है। 1 मिनट हमें इसे और पकाना है। अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे।
अब हमें इसे खुला ही पकाना है, नहीं तो मेरी भिंडी चिपचिपी हो जाएगी। सब्जी लगभग बनकर तैयार है, एक मिनट इसे और पकाना है मीडियम आंच पर। भिंडी की सब्जी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको बाउल में निकाल लेते हैं। इतनी सब्जी 2 से 3 लोगों के लिए पर्याप्त है। भिंडी की सब्जी हमारी बनकर के तैयार हो गई है। इसको हमने हरे धनिया से थोड़ी सी गार्निश कर ली है। आप भिंडी की सब्जी इसी तरह से बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमें बताइए। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।